तो स्प्रिंग क्या होते हैं? स्प्रिंग हम लोग लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था इसका एक बेसिक चीज जो वर्क पावर एनर्जी में भी किया था। तो ये क्या है? दिस इज ए स्प्रिंग। अच्छा, यहां से अगर डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो क्या बोलोगे? स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? या फिर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं स्प्रिंग के टॉपिक में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स? कल हम लोग डिस्कस किया था इसके ऊपर, रेस्टोरिंग फोर्स। तो जब हम लोग स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो स्प्रिंग का एक टेंडेंसी होता है, राइट, दैट इट विल रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। तो जिस फोर्स के साथ स्प्रिंग अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेगा उसी का नाम है रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग मतलब इसका मीनिंग क्या है? टू रिस्टोर द इनिशियल पोजीशन। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब ये अपना ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर लेगा। तो इस रेस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स का ऑपोजिट। मतलब ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का खुद का फोर्स है, दैट इज द रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे हम लोग रबर बैंड को ऐसे खींचते, अगर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो अपना पोजीशन में आ जाएगा। कैसे आएगा? बाय द रेस्टोरिंग फोर्स। सो दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट द इंटर एटोमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर एटोमिक फोर्स होता है उसी का नाम है रेस्टोरिंग फोर्स। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट का मीनिंग, तो रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था? माइनस के इनटू एक्स। ये हम लोग कल इसका एप्लीकेशन क्या था? एफ इक्वल टू माइनस के इनटू एक्स। ये जो के है, के का फॉर्मूला क्या आएगा? एफ बाई एक्स। के इज हाउ मच? एफ बाई एक्स। तो इस के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। This is known as the spring constant. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट। तो ये है फोर्स इक्वेशन, दिस इज अ फोर्स इक्वेशन, और यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। फोर्स कॉन्स्टेंट एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोथ आर सेम, दोनों सेम मीनिंग है। फोर्स कॉन्स्टेंट एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोथ आर इक्वल। तो अगर डेफिनेशन पूछा कि व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट, यू कैन डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? इट इज गिवन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। और रेस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन क्या बोलोगे? इट इज द फोर्स बाय विच द स्प्रिंग विल रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। वो अपना इनिशियल पोजिशन को रिगेन कर लेगा बाय द रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स का मीनिंग है। अब पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या क्वेश्चन था? Two springs of spring constant K1 and K2 are connected first in series then in parallel. Find the equivalent spring constant, time period and frequency of oscillation in both cases. तो यहाँ पर हमने दो स्प्रिंग को कनेक्ट किया है, एक स्प्रिंग ऐसा है और उसके बाद दूसरा स्प्रिंग स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हमने लोड के साथ कनेक्ट कर दिया। लोड मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास होगा। तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है, पहला स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? K1। और नीचे वाला स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना होगा? K1। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो। ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ और एक स्प्रिंग कनेक्टेड है विद इट,
इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना होगा K1 और इसका कांस्टेंट कितना होगा सो दिस इज आल्सो सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या होगा एक सिंगल लाइन में दे विल बी कनेक्टेड अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 एंड K2 अब इसको देखो एक बार डायग्राम को अगर हम लोग ये वाला ब्लॉक को पकड़ के ऐसे खींचेंगे If we apply some deforming force on the block, तो क्या होगा ये स्प्रिंग भी इलोंगेट होगा और ये वाला स्प्रिंग भी नीचे की तरफ होगा स्ट्रेच होगा राइट तो सपोज मैंने मान लिया कि इसका जो इलोंगेशन है दैट इज गिवन बाई एक्स वन ये कितना लंबा हुआ नीचे एक्स वन और नीचे वाला स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो गया से दैट इज डिनोटेड बाई एक्स X1 and X2 are the elongation. समझ में डायग्राम यहाँ पर मैंने ब्लॉक को पकड़ के डिफॉर्मिंग फोर्स से खींचा दोनों स्प्रिंग नीचे की तरफ झुकेगा तो ऊपर का स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ X1 नीचे का स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो गया X2 अब अगर मुझे फोर्स का इक्वेशन लिखना है तो पहला स्प्रिंग के लिए क्या होगा इक्वेशन F is equal to कितना हो जाएगा पहला इक्वेशन माइनस के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था के वन और यहां पर क्या आएगा एक्स समझ में आ रहा है तो पहला स्प्रिंग का क्या होगा फोर्स इक्वेशन माइनस के वन इंटू एक्स वन के वन इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एक्स वन इज द इलोंगेशन सेकंड का क्या होगा सेकंड का बोलो इक्वेशन माइनस के टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स यहाँ पर मैंने फोर्स को चेंज नहीं किया F1 और F2 नहीं लिखा ऐसा क्यों फोर्स को भी तो हम लोग F1 और F2 दे सकते थे ऐसा मैंने क्यों नहीं दिया सेम फोर्स मतलब एक ही फोर्स मैंने इसको अप्लाई किया उसी फोर्स के कारण दोनों स्प्रिंग में क्या हुआ इलोंगेशन हुआ तो फोर्स विल बी कांस्टेंट अब इक्वेशन वन से व्हाट वी कैन राइट एक्स वन इक्वल टू एफ बाई के वन ये मोड लगा दिया तो नेगेटिव साइन विल बिकम पॉजिटिव और इक्वेशन टू से क्या मिलेगा एक्स टू विल बिकम एफ बाई के सो टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा व्हाट इज द टोटल इलोंगेशन नाउ टोटल इलोंगेशन हम लोग कैसे निकाले एक्स वन प्लस एक्स तो यहां से कितना मिलेगा f is taken common so within bracket 1 by k1 plus 1 by k समझ में यहां पर टोटल इलोंगेशन हम लोग कैलकुलेट किया x1 plus x2 तो f will be common so within bracket कितना मिलेगा 1 by k1 plus 1 by k अब हम लोग ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था दो स्प्रिंग का इसको हम लोग कॉम्बाइन करके सिर्फ एक स्प्रिंग हम लोग कॉन्सिडर करेंगे विल कॉम्बाइन बोथ द स्प्रिंग एंड विल कॉन्सिडर सिंगल स्प्रिंग मतलब इन दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिंगल स्प्रिंग का दे रहा है दोनों को मैंने कॉम्बाइन करके सिर्फ सिंगल स्प्रिंग बना दिया तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना होगा के इक्विवेलेंट राइट दिस इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर आ रहा है दोनों स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है वो यहां पर देगा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के इक्विवेलेंट अब यहां पर बोलो इसका अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक्सटेंशन कितना आएगा सो दैट इज गिवन बाय एफ बाय के इक्विवेलेंट आएगा इतना अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक्सटेंशन होगा एक्सटेंशन कितना आएगा F by K equivalent अब इसका कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन है ये इसका कॉम्बिनेशन तो मतलब X1 plus X2 ये किसके बराबर होना चाहिए X1 plus X2 ये किसके बराबर होना चाहिए X के बराबर because इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है तो यहाँ पर X जो मिलेगा so that is nothing but X1 plus X2 अब इसका वैल्यू पुट कर दो तो यहां से मिलेगा F1 by K1 plus 1 by K2 और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा F by K equivalent ये आ गया
कुछ कैंसिलेशन जाएगा दोनों तरफ से, क्या कैंसिल होगा, वन बाई के इक्विवेलेंट इज हाउ मच, वन बाई के वन प्लस वन बाई के, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है. When the two springs are connected in series, then the equivalent spring constant is given by this formula. तो हम लोग कैसे निकाला इसको? First we consider the इंडिविजुअल इलोंगेशन x1 एंड x2, उसके बाद मैंने दोनों को कॉम्बाइन करके सिंगल स्प्रिंग बना दिया. अब सिंगल स्प्रिंग के कारण जो एक्सटेंशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू कॉम्बाइन इफेक्ट x1 प्लस x2, इसके बराबर मैंने x को इक्वेट कर दिया. देन वी हैव रिटेन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर हम लोग इक्वल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय k इक्विवेलेंट विल बी 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दिस इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. सर वहां पे जो ऑर्डर है तो होगा कौन सा, x1 प्लस x2. हां x1 प्लस x2 यहां पर आ गया, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो यहां पर फोर्स दोनों में सेम था तो यहां पर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k. और साइड में जो ये कहते हैं वो तो नीचे वाला फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स था जो यहां पर, ये नीचे वाला फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स. अब यहां से हम लोग k इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे देन कैन बी राइट लाइक दिस, k1 k2 by k1 plus k2. हां अगर हम लोग इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे आएगा k1 k2, ऊपर आएगा k1 plus k2, अगेन रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो इसका अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, k equivalent. So k equivalent is this much, k1 k2 divided by k1 plus k2. अब लिखो, therefore the time period of oscillation, therefore the time period of oscillation, the time period of oscillation is given by, तो time period का ऑलरेडी हम लोग derivation क्या था last class में, time period का इसका फॉर्मूला था 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट m बाय c, तो c इज नथिंग बट k ओनली, k से हम लोग रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट था c, तो यहां पर क्या होगा m बाय बिगिन से k इक्विवेलेंट, c इज नथिंग बट k, k इक्विवेलेंट, तो यहां से टाइम पीरियड विल कम आउट 2 पाई m डिवाइड बाई k1 k2 और ऊपर आ जाएगा k1 प्लस k2, दिस इज द टाइम पीरियड. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का इक्वेशन ये. यहां से अगर कोई पूछे फ्रीक्वेंसी निकालो तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसी का उल्टा कर दो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी. ये था सीरीज कॉम्बिनेशन. तो लास्ट वाले हाँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. अगर इसी इक्वेशन को तुम उल्टा कर दोगे देन यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन राइट, फर्स्ट सीरीज हो गया अब आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, क्लास 10 में रेजिस्टेंस क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ याद आ रहा है,
ये कैसा कॉम्बिनेशन है? दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये पैरेलल है, ठीक है. पैरेलल मतलब ब्रांचिंग में होगा. इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल में क्या होगा? देयर विल बी ब्रांचिंग. K1, K2 आर द स्प्रिंग कांस्टेंट. अब यहां पर भी हम लोग वही करेंगे. फर्स्ट विल अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स टी एफ टी. डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर लिया, राइट. अब क्या होगा? इसमें एक्सटेंशन होगा, राइट, और इसमें भी एक्सटेंशन होगा. तो सपोज ये इसमें एक्सटेंशन हुआ, सो दैट इज डिनोटेड बाई F1 equal to minus K1X and F2 equal to minus K2X. ऐसा मैंने क्यों लिखा था? सीरीज में मैंने F लिखा था, लेकिन पैरेलल पे मैंने F1 और F2 लिया. यहां पर X देखो कॉमन है दोनों में. ऐसा क्यों हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में? दो फोर्स अलग अलग लेना पड़ेगा. इसका फोर्स होगा माइनस के वन एक्स और इसका कितना होगा? माइनस के टू एक्स. अब एक्स क्यों कॉमन आ गया? बिकॉज अगर हम लोग ब्लॉक को नीचे खींचेंगे तो दोनों तो इक्वली डिस्प्लेस होगा. दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या अलग अलग हो रहा है? क्या एक ही साथ हो रहा है? फोर्स यहां पर हो सकते हैं, फोर्स मैंने यहां पर F1 लिया, यहां पर मैंने F2 लिया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या है? वो तो सेम है, बिकॉज वो ब्लॉक के कारण ही आएगा. ब्लॉक जितना नीचे जाएगा उतना ही दोनों स्प्रिंग इक्वली नीचे जाएगा. हाँ, तो यहां पर क्या होगा? इसका जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट, बट हियर विल टेक फोर्स डिफरेंट. ठीक है, F1 और F2. इस स्प्रिंग के लिए फोर्स कितना है F1, इसके लिए कितना है F2, लेकिन दोनों में जो इलोंगेशन होगा नीचे आएगा दैट विल बी सेम. तो इस बात को याद रखना, पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट और इलोंगेशन. और सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होगा? सीरीज में फोर्स. सीरीज में फोर्स होगा और यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है? इलोंगेशन. तो नेट फोर्स कितना आएगा? सो नेट फोर्स विल बी हाउ मच नाउ? F1 प्लस F2. तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई X. अब ठीक जैसे हम लोग सीरीज में क्या था वैसे हम लोग करेंगे. विल टेक ए कॉम्बाइन इफेक्ट. तो इन दोनों को मैंने रिप्लेस करके एक सिंगल स्प्रिंग लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? K इक्विवेलेंट होगा, राइट. आप यहां पर अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? नेट फोर्स कितना आएगा? यहां से माइनस के इक्विवेलेंट इनटू एक्स आएगा. जितना हम लोग फोर्स देंगे तो ये एक्स नीचे आएगा. तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? एफ इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स. अब ये फोर्स क्या था? नेट फोर्स. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट वन. क्यों होगा? बिकॉज इसका कॉम्बाइंड इफेक्ट ये वाला है. अगर ये इसका कॉम्बाइंड है तो यहां पर जो नेट फोर्स मैंने लिखा था दैट विल बी इक्वल टू दैट वन फोर्स. तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट दिस इक्वल टू माइनस के वन प्लस के टू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के इक्विवेलेंट इनटू एक्स. ये बात समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया मतलब इन दोनों को मैंने रिप्लेस करके एक सिंगल स्प्रिंग कनेक्ट किया. दोनों के लिए जो इफेक्ट था वो सिंगल के लिए इफेक्ट आ रहा है. तो इसका जो फोर्स मिलेगा मुझे ये किसके बराबर होगा? इन दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट का बराबर होगा. तो इन दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट क्या था? एफ नेट. सो दिस विल बी इक्वल टू दैट फोर्स. तो यहां से कितना आ जाएगा? के इक्विवेलेंट. How much will be getting? K1 plus K2. So this is the equivalent spring constant.
सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट विल बी एडेड अप, के वन प्लस के टू. इसका भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट एम बाय के इक्विवेलेंट. तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट एम बाय कितना आएगा, के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू. सो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के लिए यू कैन जस्ट रेसिप्रोकल दिस वन. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यू कैन जस्ट राइट एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी, देन यू कैन जस्ट मेक द ऑपोजिट. तो यहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. तो स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है वो कैसा ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक. क्यों सिंपल हार्मोनिक है, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. एक लाइन में अगर ऑसिलेशन होगा तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस सम कॉन्स्टेंट इन टू एक्स. तो यहां पर मैंने दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन किया, पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज में क्या कॉन्स्टेंट होगा, फोर्स, और पैरेलल में क्या कांस्टेंट होगा, इलोंगेशन. क्यों इलोंगेशन कांस्टेंट है, बिकॉज़ अगर हम लोग ब्लॉक को पकड़ के खींचेंगे तो ब्लॉक जितना नीचे आएगा दोनों स्प्रिंग एक ही साथ नीचे आएगा, बिकॉज़ दोनों इसके साथ कनेक्टेड है. तो ये जितना नीचे आएगा दो स्प्रिंग भी इक्वली डिस्प्लेस होगा. तो यहां पर एक्स विल रिमेन कांस्टेंट. यहां पर एक छोटा सा एक नोट लिखो, If the spring of length L, if the spring of length L is cut into two half, if the spring of length L is cut into two half, if the spring of length L is cut into two half, then the equivalent spring constant is given by, then the equivalent spring constant is given by. तो अगर हम लोग एक स्प्रिंग को लेंगे जिसका टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ कितना लिया था, L लिया था. अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया कितना हाफ पे, दो हाफ. ठीक है, एक पार्ट का लेंथ कितना हो गया, एल बाई टू, और इसका भी एल बाई टू. ठीक, तो इसका अगर मुझे के वन और के टू निकालने दिया, या फिर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है फॉर द होल स्प्रिंग, तो कैसे हम लोग निकालेंगे. तो यहां पर देखो फोर्स का इक्वेशन क्या था, माइनस के इंटू एक्स. ये था फोर्स का इक्वेशन. तो यहां से के और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली, यहां पर k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब अगर x घटेगा तो k क्या होगा, बढ़ेगा. तो x यहां पर कितना हो गया, l by 2, तो k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. पूरा लेंथ कितना था, l था, तो मैंने आधा कर लिया, मतलब l by 2, l by 2. स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो अगर स्प्रिंग आधा हो गया तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो यहां पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट विल बिकम 2 टाइम्स के, ये डबल हो जाएगा. तो जितना पार्ट पे हम लोग स्प्रिंग को काटेंगे, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट उतना पार्ट पे मल्टीप्लाई होता रहेगा. यहां पर मैंने दो पार्ट में काटा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, 2 टाइम्स. अगर मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स. तो ऐसे करते करते अगर मैं n टाइम्स इसको काट लिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स. ये इसका जनरल फॉर्मूला है. ये न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन मार्क क्वेश्चन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट. If a spring is cut into two half or n times, then how the spring constant will change?
तो इसको हमेशा याद रखना, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट विल बिकम एन टाइम्स, जितना पार्ट पे डिवाइड करोगे उतना पार्ट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? देखो डायग्राम को देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? अगर हम लोग ब्लॉक को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तो ये जितना बढ़ेगा, ये सपोज एक्स बढ़ गया, ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट होगा। अगर हम लोग ब्लॉक को ऐसे पकड़ के ऐसे लेके गया तो ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट होगा, कितना इलोंगेशन हुआ एक्स, तो ये वाला स्प्रिंग क्या होगा, दबेगा, कितना कॉम्प्रेस होगा, कितना कॉम्प्रेस होगा एक्स, जितना यहां से खुला उतना ही वहां से दब गया, नहीं? तो ये x क्या है, कांस्टेंट है दोनों स्प्रिंग के लिए, तो कांस्टेंट कौन सा केस में था, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये सब तो बहुत इजी है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना दिक्कत हो जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो जब देखोगे कि इलोंगेशन कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जब देखोगे कि इलोंगेशन अलग अलग है, एक्स वन एक्स टू है, देन इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग का पार्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अ पार्टिकल एक्सीक्यूट एसएचएम हुज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, फाइंड द टाइम, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी दिया था, ठीक, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। टाइम टेकन निकालने दिया, टू कवर हाफ एम्पलीट्यूड,